शैंगची वर्सेस मून नाइट, ये दोनों के दोनों नए कैरेक्टर्स हैं और सबको ये लोग बहुत ज्यादा पसंद आए यार। मान लो शैंगची वर्सेस मून नाइट के बीच में अगर अपन लोग पेलम पेलाई कराएंगे तो कौन जीतेगा। बात करें शैंगची की तो ये भी एक नया कैरेक्टर ही है जिसको हाल ही में 10 रिंग्स मिली है। शैंगची ने ये रिंग्स अपने पापा को हरा के ली थी, इतना ही नहीं डार्क डेमोन को भी पेला इसने। अगर बात करें अपन मून नाइट की तो मून नाइट ने अभी तक तो आतुर हालो को पेला है जो की एक गॉड लेवल शक्ति है यार। तुम दोनों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, दोनों ने लगभग गॉड लेवल पावर्स वाले विलन्स को पेला है। इसमें कोई शक नहीं है कि शैंगची ज्यादा पावरफुल है मून नाइट से, लेकिन अगर तुम मून नाइट को हल्के में ले रहे हो तुम गलत हो यार। भली मार्क और स्टीवन ये लोग शैंगची से पिट जाएंगे, जो जेक लॉकली वाला है ना भाई मून नाइट, वो लिटरली शैंगची की फाड़ देगा बिकॉज उसकी फाइटिंग स्टाइल बहुत तगड़ी है। और ये मार्वल वालों ने बहुत गलत किया जो उसकी सीरीज में अपन को नहीं दिखाया यार। अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जब जेक लॉकली फाइट कर रहा होता है अगर उसके हाथ में शैंगची की टांग हाथ मुंह या फिर भली वो भी क्यों ना आ जाए, वो तोड़ देता सीधा। वो ये नहीं सोचता कि एक मिनट रुको घुमाओ फट सीधा तोड़ के काम खत्म।